नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से एक बार। मैं श्रवण आपका दोस्त और होस्ट, और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कलानेश्वर मंदिर का सारा व्यूज, है ना। तो गाइज इस वीडियो के अंत तक बने रहो और देख सकते हो आप कैसे ये कलानेश्वर मंदिर कैसा बना हुआ है, क्यों, मतलब क्या इसका खासियत है, क्या हिस्ट्री है और क्या क्या यहाँ पे मंदिर है, कौन कौन से भगवान जी विराजमान है, तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी यहाँ से, है ना। और गाइज तो वीडियो को पूरा देखो, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। एंट्री गेट है मंदिर का, चप्पल स्टॉल है जहाँ पे आप अपने चप्पल जूते रख सकते हो गेट के पास। ये तालाब है जहाँ नहाते हैं, है ना। सबसे पहले यहाँ पे हम नहाते हैं, फिर इसके बाद कपड़े पहनकर अपना, है ना, फिर बाबा जी को जल अर्पित करने और पुष्प अर्पित करने जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये बाबा जी वंश का पुजारी जी है ना, बाबा जी का देखभाल हर सारा चीज करते हैं, पूजा। टाइप के बाबा जी हुआ करते थे, जो बहुत ही मतलब लोगों का भले का काम करते थे, है ना।
और उनको लोग गॉड की तरह पूजते थे, उनसे जो भी मन्नतें मांगते थे वो पूरी होती थी उनकी। तो उनके समाधि स्थल पर सभी अपना फूल माला अर्पित करते हैं, बाबा जी को पूजा करते हैं। लोग जो भी अपने बाइक्स या कार वगैरह कुछ भी खरीदते उनकी पूजा करते। सो गाइस ये है वंश वाजी, मतलब फुलवारी गार्डन बोलते बगीचा, वो है जिसमें मैं जा रहा हूँ आपको दिखाऊंगा उसके व्यूज। आपको है ना फुलवारी में जो पुजारी जी हैं वो आपको कुछ बता रहे हैं यहाँ की गार्डन की विशेषता है। ये प्रभंश बाबा पुष्प वाटिका नाम से प्रचलित है फुलवारी, और श्री महादेव जी कल्याणेश्वर महादेव यहाँ के जो है उनका फूल श्रृंगार यहीं से होता है। बेलपत्र फूल सब इसी फुलवारी में, बेलपत्र का पेड़ है जिससे महादेव जी प्रसन्न होते हैं, यहीं के बेलपत्र से श्री महादेव जी का श्रृंगार होता है। ये तालाब है जहाँ पे बाबा जी ने जब रहते थे प्रवंश बाबा जी तो वह स्नान करते थे, है ना। भोले दानी का पुजारी थे वो, है ना। तो लोगों का बहुत सारे उन्होंने उपकार किया, ऐसे काम किए। तो उनका डेथ हो चुका बहुत दिन पहले, हम लोग जन्म भी नहीं लिए थे उस समय, है ना। तो लोग यहाँ पे आते हैं, इसमें नहाते हैं, है ना। ये सबसे पवित्र जल माना जाता है यहाँ का। आप इसमें डुबकी लगाते हैं, है ना। आपकी जो भी विकार होती है सच्चे मन से आप जो भी मांगते हैं वो पूरा होता है, मनोकामना लोगों का। और देख सकते हो इसमें बहुत सारे कमल के फूल खिले होते हैं, यानी जो पौधे दिख रहे हैं पे पत्ते बड़े बड़े दिख रहे हैं कमल फूल के ही है। और फ्लावर्स जो होती है इसे यहाँ से टूटती है और बाबा जी को अर्पित होती है ना। अब हम ले जा रहे हैं आपको शाश्वत बाग मंदिर में। शाश्वत बाबा का घर है और यहीं पर शाश्वत बाबा बैठा करते थे, पीछे साल में शरीर छोड़े हैं। और प्रभंश बाबा के शरीर छोड़ने के बाद कुछ दो तीन साल के बाद यहाँ पर आकर के और यहाँ का देख रेख यही करते थे। इंजीनियर पोस्ट छोड़ करके और आकर के यहाँ बैठे थे महात्मा जी, शाश्वत बाबा नाम से महात्मा जी। हाँ, मतलब ये जो बाबा जी थे ना वो मतलब अपना अच्छा खासा जॉब था इनका, इंजीनियरिंग पोस्ट पे थे, है ना। और अच्छा जॉब था इनका, है ना, जो अपना जॉब छोड़ के और यहाँ आए घूमने के लिए। तो उनको इतना अच्छा लगा तो इन्होंने अपना सारा
घर बार छोड़ के, और यहाँ मंदिर में प्रभंश बाबा और जितने भी भगवान यहाँ पे मंदिर हैं, शिव जी और भोले दानी जितने भी भगवान का, उन सभी का उन्होंने सेवा किया, अपना बेहतर समझा, और फिर इन्होंने 2-3-4 साल अपनी सेवा दी, और फिर इन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिए। फिर अभी जो देख रहे हो न्यू पुजारी जो है, ये अभी आपका नाम कमलेश जी है। जब भी आप आओगे तो आप कमलेश जी से मिलो। प्रभंश बाबा का जो देख रेख होता है ना, कमलेश जी के अंदर में होता है सारा। ये बाबा जी का बिस्तर है, बेड है ना, जहाँ पे बाबा जी सोते थे। सब चीज उनके मतलब जैसे म्यूजियम होता है ना, उस तरह से उनका सब चीज रखा गया है ना, ताकि लोग आते हैं, इनके दर्शन करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे बाबा जी रहते थे, यहाँ पे जितना भी सीसीटीवी कैमरा लगे उनकी निगरानी भी रखी जाती है। ये प्रभंश बाबा है।